साबुत उड़द की दाल, आधा कप राजमा, 3-4 बार साफ पानी से धुलकर रात भर के लिए भिगो दिया था। देखिए कितने अच्छे से फूल गए हैं। उसके बाद मैंने ऐसे एक बार फिर साफ पानी से धुल लिया है। अब इन्हें कुकर में डाल लेंगे। अब इसमें 2 छोटे छोटे तेज पत्ते, दालचीनी, ये मैंने बड़ी इलायची को छील कर इसके दाने निकाल लिए हैं। अब इसमें 1/2 चम्मच घी डाल देंगे, 4 कप पानी ऐड कर देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब कुकर की ढक्कन बंद करके इसमें 7 से 8 सीटी लगा लेंगे लो मीडियम फ्लेम पर। कुकर में मैंने 7 से 8 सीटी लगा ली है। ये देखिए गैस भी निकल गई है। ये देखिए राजमा अच्छे से पक गया है, दाल भी पक गई है। गैस को ऑन रखेंगे और इसे चलाते हुए 5 से 6 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। इसमें जो मैंने खड़े मसाले डाले थे, दालचीनी और ये तेज पत्ते, इन्हें निकाल लेंगे। दाल पक रही है, तब तक हम कढ़ाई में 1 चम्मच बटर डाल लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, महीन कटा हुआ प्याज डाल देंगे, अदरक और लहसुन डाल देंगे, इसे मैंने महीन महीन कूट लिया है, 1 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और इन सब चीज़ों को भून लेंगे। देखिए मैंने इसे 5 से 6 मिनट पका लिया है, ये अच्छे से घुल गई है। अब गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए सभी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। अब इसमें सूखे मसाले ऐड कर देंगे, 1 पिंच हींग, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, ये मैंने 4 मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट बना लिया है, इसे भी डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। ये देखिए टमाटर अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें दाल डाल देंगे। इसे चलाते हुए थोड़ी देर पका लेंगे। दाल को मैंने थोड़ी देर पका लिया है। अब इसमें गरम मसाला डाल देंगे, कसूरी मेथी डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस को बंद कर देंगे। अब इसमें फ्रेश मलाई डाल देंगे, कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, ये देखिए ढाबा स्टाइल दाल मखनी बनकर तैयार हो गई है। ये बहुत ही लाजवाब बनी है, इसे आप लोग जरूर बनाइएगा। ये हमारी सुपर टेस्टी दाल मखनी बनकर तैयार है। इसे जीरा राइस, पराठा या नान के साथ भी बनाकर खा सकते हैं। सभी लोगों को बहुत पसंद आएगी। बहुत ही टेस्टी दाल मखनी बनकर तैयार हुई है। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय एंड टेक केयर।